कौन से नेबर हैं? कौन है मेरे नेबर? कौन है आप बता दीजिए। सुश्री प्रियंका चोपड़ा। हाँ तो क्या हो गया उनके बारे में? ऐसे लोग ऑब्जर्व कर रहे थे कि हमेशा ऐसे दो तीन जगह ऐसा हो रहा था कि वो आगे जा रही थी और कुछ कर कहने को नहीं है, कुछ कहानी बनाने को नहीं है, तो कुछ भी बोल रहे हो आप। शाहिद लाख मना करें तो क्या होता है, जो सबको दिखता है क्या वो सच नहीं होता? रेड कार्पेट पर एक्शन शाहिद करते हैं और जब कोई सवाल पूछे तो नाराज हो जाते हैं। चलिए कोई नहीं, समझा जा सकता है, पर ये बात आखिर आई कहाँ से, जरा ये भी समझा देते हैं। कल रात को शाहिद पहुँचे गॉड्स प्रेजेंट्स 60th ब्रिटानिया फिल्म फेयर अवार्ड्स इन एसोसिएशन विद रेवलॉन की प्री पार्टी में हिस्सा लेने। उनकी पड़ोसन और अच्छी दोस्त प्रियंका चोपड़ा भी रेड कार्पेट पर बस उनसे कुछ ही वक्त पहले पहुंची थी। प्रियंका रेड कार्पेट पर मीडिया से बातें कर रही थी, तभी वहां पहुंचे शाहिद ने। जब प्रियंका को वहां पर देखा तो वो सीधे वहां आने के बजाय तब तक किसी से बातें करते रहे जब तक कि प्रियंका वहां से अंदर नहीं चली गई। ये एक्शन जब वहां मौजूद लोगों ने कैप्चर करके शाहिद से पूछा ही था तो शाहिद को थोड़ा गुस्सा आ गया। उन्होंने तो आपसे सहमति और पुष्टि के लिए बात की। इट्स कॉल्ड कोइंसिडेंस माय फ्रेंड। नथिंग मोर देन दैट। और पूछ ले यार। गुस्सा आने की भी कई वजह होती हैं, पर अंदर के सच की बात तो ये भी है कि इस पूरे इवेंट में ना तो प्रियंका ने शाहिद की तरफ देखा और ना ही शाहिद ने प्रियंका से बात करने में कोई इंटरेस्ट दिखाया। पूरी शाम बीत गई, पर शाहिद प्रियंका की इस इवेंट पर ये कहानी इससे ज्यादा ना बढ़ सकी। शाहिद ने बात की प्रियंका की मम्मी से, उनका हालचाल जाना, तो बदले में भी उन्होंने शाहिद को उनके लास्ट रॉकिंग ईयर के लिए बधाई दी। शाहिद प्रियंका का यूं एक दूसरे से दूरी बनाए रखना हर किसी की नजरों में खटक गया। हर कोई यही सोच रहा है कि ऐसा इन दोनों के बीच आखिर क्या हो गया कि एक वक्त के ये दोस्त एक दूसरे से नजरें चुराने लगे हैं। फिल्म कमीने और तेरी मेरी कहानी में शाहिद और प्रियंका की शानदार केमिस्ट्री को देख चुके उनके फैंस उम्मीद तो यही लगाए बैठे हैं कि ये दोनों एक बार फिर से साथ काम करें। और मान लीजिए कि जल्द ही कोई फिल्म ना भी आ रही हो तो कम से कम दोस्ती दिखा कर ही शाहिद प्रियंका साथ साथ नजर आए, क्योंकि शाहिद का यूं गुस्सा होना किसी को पसंद थोड़ा ही आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई।